दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब रजिस्ट्री होने के बाद में जब नामांतरण के लिए प्रकरण लगाया जाता है तो क्या रजिस्ट्री जिस व्यक्ति ने कराई है उसको तहसील में उपस्थित होना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जब हम नामांतरण के लिए केस लगाते हैं तहसील में तो क्या हमें उस समय जिस व्यक्ति ने हमसे जमीन खरीदी है हमें उस व्यक्ति को भी उपस्थित होना पड़ता है, मतलब कि क्या विक्रेता को भी उपस्थित होना पड़ता है तहसील में। इस वीडियो में हम इस बारे में आपको जानकारी देंगे और दूसरा हम आपको बताएंगे कि अगर विक्रेता तहसील कार्यालय में नहीं पहुंचता है तो क्या आपका नामांतरण नहीं होगा या फिर होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले होता यह है कि हम रजिस्ट्री कराते हैं, रजिस्ट्री के लिए क्रेता और विक्रेता और दो गवाहों की आवश्यकता होती है। तो जब रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद में आजकल दोस्तों पूरे भारत में लगभग डिजिटल रजिस्ट्रियां हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है। तो रजिस्ट्री होने के बाद में आपको जो है रजिस्ट्री की कॉपी मिल जाती है, इसके बाद में आपको उसका दाखिल खारिज कराना पड़ता है जिसे कि नामांतरण कहते हैं। नामांतरण होने के बाद में जो है प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती है शासकीय अभिलेखों में और ऑनलाइन भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि आपने नामांतरण के लिए केस लगाया है तहसील कार्यालय में और उसके बाद में तहसील से नोटिस निकलता है तो क्या विक्रेता को उपस्थित होना आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए, मान लीजिए आपने रजिस्ट्री कराई है और उस रजिस्ट्री पर आपने जो है चेक दिया है और चेक की जो डेट है 6 महीने बाद की है, मतलब अभी आपका जो है टाइम चेक का नहीं हुआ है और इसके पहले आप नामांतरण के लिए आवेदन कर देते हैं रजिस्ट्री की कॉपी लगा करके। अब यहाँ पर तहसीलदार रजिस्ट्री कॉपी देखेंगे और उसके बाद उसमें 6 महीने बाद की जो डेट लिखी रहती है मान लीजिए तो उस पर तहसीलदार पूछेंगे कि आपका जो टाइम था पेमेंट का अभी हुआ नहीं है तो क्या इस पर हम नामांतरण कर देंगे और आपने चेक का पेमेंट नहीं दिया है विक्रेता को, तो फिर उस पर प्रॉब्लम होने वाली होती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आप जो है विक्रेता को तहसीलदार आपसे आप कह सकते हैं कि साहब आप नोटिस निकाल दीजिए, विक्रेता को आप बुला लीजिए और विक्रेता अगर सहमति दे देते हैं तो जो है आपकी रजिस्ट्री की कॉपी से नामांतरण आपका तुरंत हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन हम आपको बता रहे हैं कि जो है आपने पेमेंट पूरा दे दिया है उसके बाद में आपने नामांतरण के लिए केस लगाया है तो भी क्या उस विक्रेता को आना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों होगा ये कि नोटिस निकाला जाएगा विक्रेता को और विक्रेता अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी अगर तामीली हो जाती है नोटिस की, मतलब उसको नोटिस प्राप्त हो जाता है और फिर भी उपस्थित नहीं होता है तो भी आपका जो है नामांतरण हो जाएगा। लेकिन अगर विक्रेता आता है और आकर के आपत्ति कर देता है या रोक लगवा देता है कि नहीं इसका नामांतरण नहीं होना चाहिए और उसका कोई वैलिड कारण दे देता है जैसे कि आपका जो है भुगतान जो आपने चेक दिया था वो बाउंस हो गया है या फिर जो है और अन्य कोई भी कारण अगर ऐसा जो न्यायालय को उचित लगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो है नामांतरण रुक सकता है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि किन परिस्थितियों में आपका नामांतरण रुक सकता है, किन परिस्थितियों में आपका नामांतरण नहीं रुक सकता है। अब यहाँ पर आप ये बात कह सकते हैं कि साहब हमने पेमेंट पूरा अगर आपने दिया है तो आप उसका पूरा जो रिकॉर्ड है वो लगा सकते हैं और उसके बाद में आप बता सकते हैं कि पेमेंट पूरा हो गया है, कब्जा हमने प्लॉट पर ले लिया है तो जो है नामांतरण रोकने का कोई भी कानूनी कारण नहीं बनता है, इसलिए हमारा नामांतरण किया जाए और जो है इस आधार पर आपका नामांतरण हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको बताया कि विक्रेता की अनुपस्थिति में भी कब नामांतरण किया जा सकता है और कब नामांतरण जो है नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हमारे जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे चैनल तो देख रहे हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियोस मिलती रहे। और दोस्तों आप हमें कमेंट कर आप हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस देखनी है और आपको किस टॉपिक पर कानूनी जानकारी
देखना पसंद है तो हम उसी टॉपिक पर जो है आपको जो है नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अब हम मिलेंगे नई वीडियो में।